जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैच सीरीज चल रही है। पहला T20 मैच न्यूजीलैंड की टीम ने 21 रन से जीता था। दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम को बड़ी ही मुश्किल से आखिरी गेंद पर जीत मिली थी, इसलिए हार्दिक पांड्या ने टीम में बड़ा बदलाव कर दिया है। तीसरा T20 मैच 1 फरवरी को खेला जाना है। हार्दिक पांड्या इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेंगे। दोस्तों, आप भी हार्दिक पांड्या को अच्छा कप्तान मानते हैं तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूले। बता दें, हार्दिक पांड्या ने तीसरे T20 मैच के लिए टीम में बड़ा बदलाव कर दिया है। सुमन गिल पहले दोनों मैचों में ज्यादा रन नहीं बना पाए हैं, इसलिए हार्दिक पांड्या ने सुमन गिल की जगह पृथ्वी शो को टीम में जगह दी है। हार्दिक पांड्या ने दूसरा बदलाव करते हुए ईशान किशन की जगह जितेश शर्मा को टीम में शामिल किया है। ईशान किशन पूरे न्यूजीलैंड के दौरे पर फ्लॉप साबित हुए हैं। नंबर 3 पर फिर से सूर्य कुमार यादव ही बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में विनिंग पारी खेली थी। नंबर 4 पर हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर राहुल त्रिपाठी को खिलाने के मूड में है। राहुल त्रिपाठी अच्छे खिलाड़ी है, वे IPL में भी धमाल मचा चुके हैं। नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या खुद बल्लेबाजी करने आएंगे। हार्दिक पांड्या शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। नंबर 6 पर फिर से दीपक हुड्डा ही मैदान पर खेलते नजर आएंगे। नंबर 7 पर विस्फोटक बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से भारतीय फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचते नजर आएंगे। नंबर 8 पर कुलदीप यादव को हार्दिक पांड्या ने टीम में शामिल किया है। नंबर 9 पर शिवम आवी पर एक बार फिर हार्दिक भरोसा जताते दिख रहे हैं। नंबर 10 पर उमराल मलिक को हार्दिक पांड्या ने टीम में जगह दी है। नंबर 11 पर हार्दिक पांड्या ने अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया है। दोस्तों, कमेंट करके बताना हार्दिक पांड्या की यह टीम न्यूजीलैंड को तीसरा T20 मैच हरा सकती है या नहीं।